अस्सलाम वालेकुम मरहबा दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद नुमान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिप अनकट, क्योंकि लाइफ में कुछ कट नहीं है, सब अनकट। तो अभी हम आए हैं बावली कुआं। बावली कुआं में अभी आपको दिखा रहे हैं, बावली कुआं में जाके दिखाते हैं कैसा है यहाँ पर प्लेस, दिखाएंगे अंदर क्या है, क्या करते थे यहाँ पर और क्यों बनाया गया था, सबसे इम्पोर्टेंट सब मालूम पड़ेगा आपको। तो चलो चलते आगे, देख सकते हो सलमान भाई के हम पीछे पीछे चल रहे हैं, रास्ता ढूंढते तो और मजा आता। हाँ वो तो था मगर टाइम नहीं है। टिकट चेक कराना है पहले टिकट चेक होगी, फिर सलमान भाई हमको लेके जाएंगे। गेट पर रुकिएगा, गेट पर रुकना ही है गाइड। तो गाइस यहाँ से बावली में गाइड चेंज हो रहा है हमारा, अभी फिरोज भाई हमको दिखाएंगे गाइड, हमारे गाइड है अब फिरोज भाई। तो चलते फिरोज भाई के पास, फिरोज भाई का वेट हो रहा है यहाँ पर। अब फिरोज भाई आए तो फिर स्टार्ट करें हम वीडियो, तो वेट करते हैं फिरोज भाई का। चलो थोड़ा नीचे जा रहे हैं अभी, सब यहाँ पे रुकिए, आ जाइए। अंदर क्या दिख रहा है? पानी है। काला का गंदा सा पानी, उस जमाने का सीसीटीवी कैमरा, इसमें रिफ्लेक्शन दिखता है गेट का, अंदर वाला आदमी बाहर वाले को देखता है। आइए मैं आपको अंदर चलता हूँ। अपने अपने मोबाइल की लाइट ऑन कर ली है, अपने अपने मोबाइल की लाइट ऑन कर ली है, और जो लंबे हैं वो सर झुका के हैं। आइए कितना ठंडा लग रहा है भाई, इधर बहुत ठंडा है। ये उस जमाने का एयर कंडीशन रूम, एयर कंडीशन रूम, इसके लिए कूल में भी आएंगे तो भी ऐसे ठंडा लगेगा। अच्छा आइए भैया, सब आगे आइए, एयर कंडीशन रूम में पहुंच चुके हैं सब, आ गए। हां सर, ये हम जमीन के 60 फीट नीचे भी हैं, जमीन के अंदर हम जाएंगे। आइए ऊपर चलते हैं। तो यहाँ गर्दी देख सकते हो आप लोग, रुक जाइए भैया, हाँ बस रुके हुए हम, टेंशन नहीं है। चलिए भाई जो देखता है देखिए, वही गेट है जिस गेट से भी आप लोग अंदर आए हैं, गेट से भी आप लोग आए हैं। जब आप लोग अंदर आ रहे थे तो आपको लोग यहाँ से फॉलो कर रहे थे, आप लोग यहाँ पे आ गए, यहाँ से आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं। वो जमाने में नवाब साहब का सिपाही यहाँ से निगरानी करता था कि आने वाला दोस्त है कि दुश्मन है, आने जाने वाले की पहचान यहाँ से की जाती थी कि आने वाला अपना की पराया, अपने पराये की पहचान रेड और ब्लैक। उस जमाने में अंग्रेजों की वर्दी रेड, यहाँ की फौज की वर्दी ब्लैक, आने जाने वाले इंसान थे यहाँ का सिपाही, ये पता ना करता था कि कौन अपना है कौन पराया। देख के आगे चलिए यहाँ से 15 फीट ऊपर, हमारे वाले पीछे हो रहा था। तो देख रहे हो आप लोग कितना एक्साइटमेंट लेना हमको, और इतना ठंडा है इधर की पूछो मत, बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है एकदम, ऐसा लग रहा है एसी चालू है इधर। और आपको जैसे दिखा रहे एकदम, मतलब कि पहले के लोग कैसा क्या क्या कर लेते थे, कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट थे पहले हमारे पास, अभी ये सब करना मुश्किल है क्योंकि हमको एसी की आदत हो गई, तो एसी की भी जरूरत नहीं है इधर, या फंगी की भी जरूरत नहीं, इतना ठंडा है। अभी हम नंगे पैर हैं, पूरा ठंडा हो गया पैर, तो चलते भी आगे। अब देखिए यहाँ पर शाही बावली है, इसमें आपको 3 फ्लोर सामने दिख रहे हैं, ये 7 फ्लोर की बिल्डिंग है, 4 फ्लोर जमीन के अंदर है, अंदर ग्राउंड है, उसमें जब कोई नहीं मानेंगे, वहाँ सरकारी लॉक है, वहाँ कोई नहीं जा सकता। 4 फ्लोर नीचे के बंद है क्योंकि उसमें जो खुफिया रास्ते हैं जो दिल्ली आगरा कलकत्ता तक जाते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने लॉक डाल दिया है, वहाँ किसी को जाने की परमिशन नहीं है। असली भूलभुलैया इसके नीचे है, एक जैसे 7 रास्ते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है तो किसी को नहीं पता। तो आपके बंदे उन्हें भी नहीं गए नहीं है, सद्दाम भाई को जाना था, सद्दाम भाई को हम फेंक सकते हैं। सद्दाम भाई तुमको कलकत्ता के लिए हम ट्राई करेंगे गवर्नमेंट से बात करके कि तुमको यहाँ पर फेंका जाए कि तुम वापस मार निकलो। जिस जमाने में अंग्रेजों ने यहाँ अटैक किया था तो राजा साहब के अकाउंटेंट थे, उनके सिक्योरिटी मतलब उनके पास खजाने की चाबी रहती, उस चाबी पे बना था नक्शा, जो नक्शा यहाँ के अंडरग्राउंड रास्तों का था, तो वो जब अंग्रेजों ने उनसे छीनने की कोशिश की तो वो इसी में फान गए थे चाबी लेकर, वो अंदर से कहाँ निकल गए आज तक उनका नहीं पता चला, ना चाबी मिली किसी को, अंग्रेज़ भी उनके पीछे गए, उनको फॉलो किया लेकिन ढूंढ नहीं पाए,
आज तक किसी को नहीं। अंग्रेज भी चलेगा और भी चलेगा, और अंग्रेज तो भी जो है सारा नक्शों का चाबी, अंग्रेज टपक गए वो तो निकल गए रहेंगे, अंग्रेज वापस मुंह के खा के चले, यहाँ से अंग्रेज कुछ ले जा नहीं पाए। ओके, यहाँ से अंग्रेज बिल्डिंग बनी थी, ये बिल्डिंग ले जा नहीं सकते थे, खजाना ले जा सकते थे, वो ले गए नहीं, ले जा पाए ना, नहीं मिला ही नहीं तो कैसे कहाँ से लिया, दूर बना दिया, हमको चाबी मिली ना, नक्शा मिला, कुछ नहीं कुछ मिली। आइए सब आइए, अब यहाँ से आप देखेंगे तो आपको बाहर का गेट दिखेगा, यहाँ से भी आपको एंट्री मिलेगी, जहाँ टिकट चेक कराए वो एरिया दिखेगा, सामने का ग्राउंड पूरा दिखेगा, इसको बोलते हैं चोर दरवाजा जी, जहाँ आप खड़ी हैं। खासियत यहाँ की है कि यहाँ से आप बाहर वालों को देख रहे हैं, बाहर वाले आपको नहीं देख सकते, अंधेरा हो गया होगा। आइए भैया चलिए, आप बढ़िया, आप लोग जो देख चुके हैं नवाबों ने बनाया, लखनऊ में नहीं करता बस, नवाबों का शहर है इसके लिए, और उल्टे आदमी कब्रे को दुआ के चले जाते हैं, लेकिन एजेंसी आप गए होंगे आपने देखा होगा, हाँ अभी गए नहीं, कब्रे ये भी नहीं मिली बाद ही है, ये सब लग रहा है। आइए सब आ जाइए, आ गए आ गए सब, आ रहे हैं, आइए सब अंदर आइए भैया, छोटे छोटे दर बने जिससे आप लोग सर झुका के आ रहे हैं, हाँ। ये इसलिए बनाए गए थे ताकि राजा साहब के सामने जो भी आए वो सर झुका के आए अदब से, तो उस जमाने में लखनऊ में सलाम बहुत झुक के करते थे। अब देखिए हमें अंदर आने में यहाँ इतना टाइम लगा, बाहर निकलने में टाइम नहीं लगेगा, अब हम बाहर जा रहे हैं, आइए राजा खुद सर झुका के चलते थे, वो बहुत शरीफ आदमी थे, सही बात है, चलिए यहाँ से बाहर निकलिए। जादू कैसा लग रहा है भाई, बढ़िया लग रहा है। सर झुका के भाई, यहाँ से अगर ये iPhone 13 फेंकेंगे तो नहीं टूटेगा, हाँ ये तो कंट्रोल है, कम ऑन ट्राई करते कि iPhone 13 नीचे फेंक के ट्राई करते हैं, वो देखो और ट्राई किया और वो टूटा नहीं, तो भाई ये iPhone 13 फेंक के एक बार ट्राई कर सकते हैं, प्लीज ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये शाही बाउली है, यहाँ पर अंदर भी काफ़ी चीज़ें थी, जैसे भाई ने बताया सीसीटीवी, वो ज़माने का सीसीटीवी कैमरा, वो सब चीज़ें थी, है काफ़ी यूनिक जगह है देखने लायक है। तो प्लीज़ बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, इमाम पाड़ा का हमने पूरा कैप्चर किया, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो बताना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, क्योंकि अभी खाने की जगह और जगह कैप्चर करेंगे, क्योंकि अभी दूसरा आएगा वो, तो खाने की जगह कैप्चर करेंगे अब अपन, कि मोस्टली यहाँ पर सब दिखा दिए, भुलभुलैया दिखा दिए और जगह बहुत सारी जगह दिखाया गया, एक जगह जो आपको पीछे दिख रही है इसके अंदर अलाउड नहीं है वीडियो बनाना, इसके लिए इसमें नहीं गए वीडियो बनाने, तो यहाँ ये वीडियो ओवर करते हैं, लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना नहीं, और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।